देखो ईंट भट्टा इधर है। तो ये है गांव का रोड, हमारे गांव का ये रोड है जो कनेक्ट करता है मेन रोड से, और यही है वो रोड है। ईंट भट्टा जो है बिजनेस का एक स्रोत है, मतलब गांव वासियों का बिजनेस का एक स्रोत है ये। और ये हमारी नदी है, अभी सूखी हुई नदी है, बरसाती नदी है मोस्टली, इसको काव नदी बोलते हैं। ये जाके आगे बड़ा हो जाएगा, यही से शुरुआत है, आगे जो पहाड़ी है वहाँ से शुरुआत है। और पहाड़ी पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, बादल बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो एक बार बढ़िया बारिश होगा तो जो भी वाटरफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ी वाटरफॉल होता है तो वो दिखाएंगे आपको मांझर के अंदर, और जो भी है सीता। और ये आ गया यहाँ का जीटी रोड, ये जाती है कलकत्ता तक, कलकत्ता तक का रूट है ये, दिल्ली से कलकत्ता तक। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोलते हैं बेटा। और ऑलमोस्ट सिक्स लेन बन गया है रोड, अब देखोगे ये देखो सिक्स लेन हो गया है। तो जो भी फ्लाईओवर्स है उसका काम बचा हुआ है, बाकी जगह कंप्लीट हो गया है काम। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं फेमस बागीचा रिसॉर्ट, शादी के पर्पस के लिए यूज होता है, आगे थोड़ा आगे है। और ये है फेमस बागीचा, लेफ्ट साइड में दिखा, फेमस बागीचा रिसॉर्ट बैंकेट हॉल है, बढ़िया बैंकेट हॉल, बहुत बढ़िया बना हुआ है, स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है ये है। और राइट साइड में बागीचा रेस्टोरेंट है, और इसी के लेफ्ट साइड में वाणी वाटिका रेस्टोरेंट है, और रिसॉर्ट भी है, बैंकेट हॉल भी है ये है। ये लेफ्ट साइड में वाणी वाटिका रेस्टोरेंट एड्रेस, ये बैंकेट हॉल भी है, मैंने बताया था ये शादी के लिए तैयारी चल रही है अभी। आज का मौसम हो रखा है जबरदस्त, अत्यंत येलो अलर्ट है इधर, इधर की साइड पे येलो अलर्ट है। तो मौसम तो है जबरदस्त, गर्मी से हो रखी है राहत, तो हम लोग चले बाहर। हाँ दिखाना। तो भाई साहब पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, और ये प्याज पूरा भुना जा रहा है अभी। कितने किलो प्याज होगा? 6 किलो, 4 केजी, 4 केजी के आसपास प्याज है, और 6 केजी चिकन है। बनेगा अभी पार्टी। और यहाँ पर पपीते का फुल प्रोसेस है, ये पहला फूल है, उसके बाद धीरे धीरे पपीता यहाँ निकल रहा है, उसके बाद छोटा पपीता यहाँ निकल गया है, ये देखो जैसे फूल आपका मुरझा गया, और फाइनली ये देखो कि आपका बड़ा पपीता यहाँ निकल रहा है। पूरा पपीते का प्रोसेस है, कलर आ गया, क्यों प्याज में कलर आने लगा है अब, ये प्याज में पूरा कलर आ गया। 5 किलो बिना मिर्च का कलर कैसे आएगा? हाँ फाइनली हल्दी, ना
और इतना बड़ा पतीला है इसमें बन रहा है 6 kg, छोटा पतीला में तो बनेगा ही नहीं। देखा था नहीं, और ये भाई साहब अब जाएगा ये वाला दही मिलाना है। ये है बेसन नान खटाई, अच्छा मधुपार्क नाम है, कोकोनट का है ना, कोकोनट बिस्किट ये है, जो लेगा वो भी कोकोनट है। ये है कोकोनट है, ये कोकोनट है। बहुत बढ़िया ये श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स। कौन सा मिठाई है ये? ऊपर से पोस्ता दाना चिपका है। जबरदस्त है ये भी। मिलेगा डोनट, मिलेगा। ये है रेड अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट है, मीठा है। ये कौन सा मिठाई है माँ? ये वाला, हाँ ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जम। ओके तो यहाँ भी चिकन बन रहा है ये वाला, ये हम लोग के लिए चिकन बन रहा है और ये बन रहा है किसी और के लिए जो अपने चिकन का वेट कर रहा है, इधर देख भी नहीं रहा है वो। और ये यहाँ से भाई साहब वेट कर रहे हैं अपने चिकन का, देखो देखो देख लो भाई, देखो मुंह कैसे चटपटाते हो तुम, चटपटाओ तभी मिलेगा चिकन तुमको, इतना नहीं मिलेगा। इसका है बॉइल्ड, इसका बॉइल्ड चिकन बन रहा है, इसका ज़्यादा हेल्दी बन रहा है। इसे भी दिखाते हैं, ये देखो भाई साहब को इधर वेट कर रहा है, ये वाला चिकन कब बन तैयार होगा और भाई साहब को मिलेगा। बंद कर देना इसको, बंद कर दे इसको। बड़ी जबरदस्त कलर आया है बंटी, क्यों भी क्यों यार, कलर कैसा है इसका? बढ़िया कलर है, वाह वाह। अरे वो सब कहाँ था? पीस एकदम प्रॉपर सॉफ्ट हो गया है पीस, क्यों बहुत गर्म है। टुनटुन सिंह, पूरा स्मोकी फ्लेवर है, स्मोकी फ्लेवर है। दे दे एक कप पानी।